नूह में जलाभिषेक यात्रा चल रही है, इस जलाभिषेक यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसी नूह धीरेन्द्र जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, सर जलाभिषेक यात्रा चल रही है, किस तरह के इंतजाम किए गए और क्या चल रहा है फिलहाल? देखिए, सुरक्षा का जो इंतजाम है वो पुख्ता है, और यहाँ पर जितने भी बाहर के लोग और यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो पिछला इंसिडेंट हुआ वैसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा। यहाँ पर इस बार दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए, यात्रा के लिए बैठे हुए हैं, और उन्होंने 20 जने की जगह के आसपास उन्होंने पंडाल भी लगाए हैं जहाँ यात्रा का विभिन्न समुदायों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। मैं अभी नल्लन मंदिर से भी आ रहा हूँ और वहाँ पर भी काफ़ी भक्तों की भीड़ है, और यहाँ पर भी सुरक्षा का जायजा लेने आया हूँ। हमारी तरफ से RAF, IRB और स्थानीय पुलिस भी मौजूद है सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए। इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, कब तक ये पाबंदी जारी रहेगी और किस तरह से देखा जाए इस बार की सुरक्षा व्यवस्था पिछली बार की सुरक्षा व्यवस्था से किस तरह से अलग? देखिए, हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका एहतियातन तौर पे ही ये हमने लगाया है ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना रिपीट हो पाए, ताकि उसमें किसी चीज़ें फ्लेयर अप हो, तो ये केवल एक एहतियातन तौर पे है, और बाकी ऐसा इससे कोई घबराने की बात नहीं है। और स्कूल भी चालू हैं, बाज़ार भी चालू हैं, और सभी यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बेझिझक आ रहे हैं और अपना दर्शन कर रहे हैं। पिछले साल के इंसिडेंट को अगर हम याद करते हैं, 31 जुलाई का दिन जो तस्वीर लोगों ने नूह की देखी, उसको देखते हुए लोगों के मन में बड़ा संशय था कि नूह में इस बार क्या होने वाला है, तो क्या बताना चाहेंगे, कैसा है नूह का हाल इस समय? देखिए, बिल्कुल पीसफुल है। हमने लास्ट एक साल से जो प्रयास किए हैं उसका काफ़ी हमें आज फल देखने को मिल रहा है। हमने हर एक तरह का त्यौहार यहाँ पर एक साल में शांति से मनाया, चाहे ईद हो, दिवाली हो, रमज़ान हो, और यहाँ पर कृष्ण जयंती भी मनाई, तो यहाँ पर सब चीज़ पीसफुल है। और यहाँ पर सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो त्यौहार है वो पिछले 20 साल में एक भी FIR दर्ज नहीं हुई हमारे लोकसभा इलेक्शन में, तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है यहाँ के लोगों के लिए। और अगर किसी से कोई गलती हो गई हो या फिर कोई अनजाने में कुछ जाने में कोई भूल हो गई हो तो उसको ठीक करने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ मेवात की जनता ने एक रास्ता चुना है और साथ ही साथ लोगों को दर्शाया भी है कि ये बिल्कुल शांत पीसफुल जिला है और आगे भी ऐसे बना रहेगा। सोशल मीडिया ने पिछली बार माहौल ख़राब करने में एक बड़ी भूमिका अदा की, कुछ नाम निकल कर सामने आए, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, मामन खान समेत तमाम नाम सामने आए थे। इस बार उन लोगों की क्या गतिविधि रही और परमिशन देने का, इस बार हमने देखा कि आपने एक तरीका निकाला कि परमिशन किसी संगठन को ना देकर स्थानीय लोगों को दी जाएगी, वो क्या प्रोसेस है? देखिए, हमारा यही है, सबसे पहले तो हमने पिछले कई समय से सोशल मीडिया पे नज़र रखे हुए थे और हमने विभिन्न जो फंक्शंस हुए उसमें भी एक पैनी नज़र रखी हुई। पिछले SP और अभी के SP ने दोनों मिलकर अभी जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई और एक विश्वास लाया कि जो पिछली बार जो थिंग्स फ्लेयर अप हुई थी वो सोशल मीडिया के कारण था, और इसलिए हमने सोशल मीडिया पे चेक लिखा, कहीं पे भी कोई भी अगर ऐसे कोई सोशल मीडिया पे यूज़ करके प्लेटफॉर्म को कोई ख़राब करने की चाहे तो हमने तुरंत कार्रवाई भी की है और उसका असर देखने को मिला है। स्थानीय लोग भी आगे बढ़ के चढ़ के आए हैं और दोनों साइड से जो लोगों ने एक पीस की अपील की है। लगभग कितने लोगों पर कार्रवाई हुई होगी अगर आप बता पाएँ तो, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो लोग इस तरह से कर रहे थे? देखिए, अभी तक एक FIR दर्ज हुई है और उसके अलावा हम पैनी नज़र रखे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई माहौल बिगाड़ने वाला कोई कार्य यहाँ पर हो, और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत और पीसफुल है। देशभर के लोग जो आपको देख रहे हैं और मेवात के लोग, नूह के लोग जो हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं देशभर के लोगों से तो यही कहना चाहूँगा कि ये मेवात एक पीसफुल जिला है, और जो मेवात के लोगों ने इस बार आप देखिए आयोजन में करके दिखाया है, और यही मेवात की मिसाल है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों सभी समुदाय के लोग प्यार से रहते हैं। कोई एक इंसिडेंट के कारण से आप किसी को नहीं कह सकते, बट एक पीसफुल माहौल है, यहाँ शांति बनाए रखें, यही मेरी अपील है। तो ये DC धीरेन्द्र जी थे, साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, किस तरह की प्लानिंग की गई कि माहौल शांत रह सके, और दावा इस बात का कि पूरी तरह से नूह का माहौल शांत है। शोभा यात्रा, जलाभिषेक यात्रा जो है ये पूरी तरह से निकल रही है, साफ तरीके से निकल रही है, और मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊँ कि यहाँ पर बाकायदा संतों का जो आगमन का सिलसिला है वो आना शुरू हो गया है। रेवासन टोल प्लाजा के पास हम हैं और यहाँ पर आप देखिए कि संतों के आने का जो सिलसिला है वो पूरी तरह से आपको चालू होता हुआ नजर आएगा। संतों की गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं और अब ये पहुंचेंगे नल्हड़ मंदिर पर। अखिल भारतीय संत समिति हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये पहुंचे हुए हैं और इनसे एक बार बात करते हैं, इनसे जानते हैं कैसे हैं आप। बिल्कुल बढ़िया। क्या प्लानिंग, कहां जाने की तैयारी? वो अपने जलाभिषेक की यात्रा है। बढ़िया जी। हां, तो
पिछली बार जिस तरह का माहौल था उसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं होना, बिल्कुल भोले बाबा की कृपा होगी, बिल्कुल शांति प्रिय श्रद्धा भावना से जलाभिषेक करके आएंगे सारे। और लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे कि सारे बढ़िया अपने भजनों में और ध्यान में और अच्छी संस्कारी बनो, संस्कृति अपने दिल में रमाओ, बिल्कुल संस्कृति के साथ और सनातन के साथ जुड़ के रहो। अभी कितने लोग और हैं आपके साथ जो आने वाले हैं? मेरे पीछे पीछे 300 आदमी आ रहे हैं करीब करीब। बाबा एक बार अपना परिचय बता दीजिए जो लोग आपको नहीं जानते हैं टीवी की। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति महामंडलेश्वर अब्दुल स्वामी ब्रह्मस्वरूप जी महाराज छुड़ानी धाम जिला जज्जर हरियाणा। बहुत बढ़िया। चलिए आप जाइए और हमारे लिए भी दुआ मांगिएगा, प्रदेश के लिए भी दुआ मांगिएगा और देश के लिए भी दुआ मांगिएगा। बहुत अच्छा संस्कारी रहो, सत्यवादी सब संत हैं, आप अपने धाम आजीज की अरदास सकल संत। ये तमाम लोगों का पहुंचना जारी हो गया है, लोगों का आने जारी हो गया है, तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, डीसी साहब ने साफ तौर पर बताया, और लगातार नू की पल पल की अपडेट सूर्य समाचार पर आपको देखने को मिलती रहेगी। कैमरामैन त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार।